मोदी और योगी के बीच बुरे फंसे रवि किशन, न सीएम योगी ने रवि किशन को बख्शा, न ही पीएम मोदी ने रवि किशन को छोड़ा, दोनों नेताओं ने रवि किशन की मौज ले ली। कभी कांग्रेस का झंडा उठाने वाले रवि किशन का बीजेपी पर ऐसा दिल आया कि साल 2017 में भाजपाई बन गए और साल 2019 का लोकसभा चुनाव आते आते पीएम मोदी और सीएम योगी की उन पर ऐसी कृपा हुई कि बीजेपी ने सीधे गोरखपुर से टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार दिया। रवि किशन ने भी पार्टी को निराश नहीं किया और 7 लाख से भी ज्यादा वोट हासिल कर गोरखपुर की सीट बीजेपी के खाते में डाल दी। इस जीत के बाद रवि किशन ने बीजेपी पर ऐसी पकड़ बनाई कि आज मोदी और योगी जैसे धाकड़ नेता भी सार्वजनिक मंच पर उनसे हंसी मजाक करने लगे हैं। जब योगी ने ली मौत, भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार रवि किशन सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर से सांसद हैं। यही वजह है कि उनके साथ रवि किशन की अच्छी खासी बनती है। सीएम योगी जब भी गोरखपुर आते हैं उनके साथ रवि किशन किसी साए की तरह जरूर नजर आते हैं, क्योंकि जिस गोरखपुर से रवि किशन सांसद हैं, उस सीट से खुद योगी लगातार 5 बार सांसद रह चुके हैं, इसलिए दोनों के बीच अच्छी ट्यूनिंग देखने को मिलती है। ये ट्यूनिंग इस कदर है कि 20 दिसंबर को जब गोरखपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे, इसी दौरान योगी का अलग ही अंदाज देखने को मिला। अक्सर गंभीर दिखने वाले सीएम योगी ने मोमो बेचने वाले दुकानदार के बहाने रवि किशन की चुटकी ले ली और भरी महफिल में उन्हें खड़ा कर सवाल जवाब करने लगे कि फ्री में मोमोज खाए थे या पैसे भी दिए थे। हमारे सांसद जी आए थे, आए थे। फ्री में या कुछ पेमेंट करके किए ना? पेमेंट किए कि नहीं किए? ठीक है, बहुत सुंदर। मोमोज को लेकर सीएम योगी ने रवि किशन से जिस तरह से सवाल जवाब किया, उसे देखकर आप समझ सकते हैं कि सीएम योगी और रवि किशन के बीच किस तरह का रिश्ता है। दोनों के बीच एक अच्छी ट्यूनिंग देखने को मिलती है। मोदी भी कम नहीं। सीएम योगी ने किस तरह से सांसद रवि किशन की मौज ली, ये तो आपने देख ही लिया। अब बात करते हैं पीएम मोदी से जुड़े किस्से की कि कैसे उन्होंने भी रवि किशन की चुटकी ले ली। दरअसल ये बात 8 जनवरी की है, जब पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लाभार्थियों से बात कर रहे थे। इस कार्यक्रम में गोरखपुर के लोग भी जुड़े थे और इसी लोकसभा सीट से सांसद होने के नाते खुद रवि किशन भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उनकी मौजूदगी में एक लाभार्थी से बात कर पीएम मोदी ने जब पूछा, लक्ष्मी जी आपके इलाके में गारंटी वाला गाड़ी आई तो कैसा स्वागत हुआ, क्या आप बता सकते हैं? पीएम मोदी का यह सवाल लाभार्थी लक्ष्मी को समझ में नहीं आया तो बगल में बैठे सांसद रवि किशन से पूछने लगे। इसी दौरान पीएम मोदी की नजर पड़ गई तो उन्होंने भी मौका देखते ही रवि किशन की चुटकी लेते हुए कह दिया, रवि किशन के सामने देखकर मत बोलिए, उनके बुरा लगे तो आप सच बताइए। लक्ष्मी जी आपके इलाके में गारंटी वाली गाड़ी आई तो कैसा स्वागत हुआ, मुझे आपका और आपके इलाके का कुछ बता सकते हैं, कार्यक्रम कैसा होता है? क्या वो रवि किशन के सामने देख करके मत बोलिए, वो रवि किशन के सामने देख करके मत बोलिए, वो रवि किशन के सामने देख करके मत बोलिए। नहीं सर, आपकी जो गाड़ी जहाँ आ जाती है, उनको उनको बुरा लगे तो बुरा लगे, सच बता दीजिए। नहीं सर मुझे सुनने। पीएम मोदी ने रवि किशन की चुटकी दरअसल इसलिए ली क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब कोई अफसर या मंत्री को किसी योजना के लाभार्थी से बात करनी होती है तो उसे लोकल विधायक या सांसद पहले से ही सिखा पढ़ा देते हैं कि उन्हें क्या बोलना है और क्या नहीं। शायद यही वजह है कि पीएम मोदी ने लाभार्थी को चौंकते हुए कह दिया कि रवि किशन को बुरा लगे तो लगे, आप जो हकीकत है वो बताइए। उनको उनको बुरा लगे तो बुरा लगे, सच बता दीजिए। उनको उनको बुरा लगे तो बुरा लगे, सच बता दीजिए। नहीं सर,
पीएम मोदी की इन बातों से समझ सकते हैं कि वो मौका पड़ने पर अपने सांसदों को भी नहीं बख्शते, मजाक मजाक में उनकी भी क्लास लगा देते हैं। बहरहाल मोदी और योगी ने जिस तरह से रवि किशन की चुटकी ली है, इस पर आपका क्या कहना है? मोदी या योगी, किसका अंदाज आपको ज्यादा अच्छा लगा? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।